जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत पोवी में सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया जमुआ शाखा के तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ इंडिया जमुआ शाखा प्रबंधक मोहम्मद वसीम अकरम अंसारी द्वारा मॉनिटरिंग की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को प्राथमिकता के तहत KCC प्रदान किया जा रहा है। KCC के लिए अभी सरकार के द्वारा एक आदेश दी गई है कि शिविर लगाकर कृषकों का आवेदन ले। तो सबसे पहली बात है, जिनका खाता प्रधानमंत्री जीवन बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा अटल पेंशन योजना से आच्छादित है, उन लोगों को प्राथमिकता देनी है। साथ ही जिनका प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना यानी 2000 जिनके अकाउंट में आया है, उन किसानों को प्राथमिकता के तहत KCC प्रदान करना है। पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी गोड्डा नगर मुकेश कुमार पांडे, पुलिस अधिनिरीक्षक अमित अभिषेक, तकनीकी शाखा के आरक्षी निशांत पांडे और सशस्त्र बल के द्वारा गोड्डा जिला के पशु तस्कर सरगना फुरकान अंसारी, उम्र 28 वर्ष, पिता आयुब अंसारी, कालझरी के रहने वाले, थाना देवदाड़ जिला गोड्डा, वहीं असनबनी थाना गोड्डा नगर जिला गोड्डा को कल दिनांक 4/7/2021 को रात्रि 11 बजे निंजर होटल हरियाली पुड़िया हाट से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 1508/21 दिनांक 18/5/21 में माननीय न्यायालय अग्रसारित किया गया है। फुरकान अंसारी के विरुद्ध गोड्डा जिला में 10 कांड दर्ज हैं तथा इस पर सीमावर्ती जिला दुमका, बांका आदि में भी कई कांड दर्ज हैं। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के नेतृत्व में टीम द्वारा जिले के विभिन्न खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा दर, स्टॉक सत्यापन, EPO लेन देन आदि का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि किसानों को निर्धारित दर पर खाद एवं बीज मिल सके, इसको लेकर संबंधित खाद दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव के निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों के चौक चौराहों पर मास्क एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया एवं वैसे वाहन चालकों को दंडित किया गया जिन्होंने मास्क हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस अधीक्षक गोड्डा YS रमेश ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि गोड्डा के समस्त सक्षम नागरिकों से अनुरोध है कि अपने पुराने स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि जो कि आपके द्वारा उपयोग नहीं किए जा रहे हैं एवं चालू अवस्था में हैं, गोड्डा जिला के किसी भी थाना या कंपोजिट कंट्रोल रूम में बने मोबाइल बैंक में जमा करें ताकि गरीब एवं मेधावी जरूरतमंद छात्रों को इसका लाभ पहुँचाया जा सके, जिससे ऑनलाइन क्लासेस या इंटरनेट के माध्यम से अच्छी शिक्षा पा सकें। आपका छोटा सा योगदान किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के दर्ज की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा जानकारी दी गई कि तत्कालिक मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के दर्ज की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। अतः जिलेवासियों को अपील की जाती है कि वे अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सोमवार को जमुआ स्थित राजद कार्यालय में राजद का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों के सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में महोदय के द्वारा आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए गए। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जमुआ इकाई के जूम मीटिंग सोमवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता अरविंद राय और संचालन प्रणय सिन्हा ने की।